जी मम्मी, आपने मुझे बुलाया? एनी के स्टूडियो में किसने तोड़फोड़ की थी? मम्मी, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। और जहां तक मेरी बात है तो मैं ऐसा क्यों करूंगी? एनी तो मेरी बहन है अपनी। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तुम अपनी बहन की कितनी सगी हो। किसने की है मेरे घर में तोड़फोड़? किसने आग लगाई है? तुम लोग बताते हो या मैं खुद पता लगवाऊं? मम्मी, असल सवाल तो यह बनता है कि उस स्टूडियो की जरूरत ही क्या थी। वैसे तुम्हें ना यह सवाल अपनी बीवी से पूछना चाहिए शहरयार। कहीं यह कारनामा इसी का तो नहीं है? एमर, क्या ये सच है? साफ साफ बताओ मुझे। मुझ पर क्यों इल्जाम लगाए जा रहे हैं? और मेरा इतना दिमाग खराब नहीं है कि आधी रात को उठकर मैं ये सारी हरकतें करते फिरूं? फिर तो मैं और आयमा ही रह जाते हैं इस घर में। लगा दो ये इल्जाम भी हम ही पर लगा दो। खाला, मैं भी यहाँ पर हूँ, मुझ पे भी कोई इल्जाम लगा दे, बाकी सब तो दूध के दुले हुए हैं। फरी, तुम इन बातों से दूर रहो। तुम ऐसी हरकत नहीं कर सकती। मैंने अपने बच्चों की ऐसी तरबियत नहीं की। ये तो है मम्मी, अगर मुझे इस तरह की चीजें करनी होती तो मैं ऐलानिया करती। किसी से डरती हूँ मैं यहाँ क्या? फरी, मम्मी मुझे लगता है कि आपको ये बात भूल जानी चाहिए, क्योंकि हर इंसान अपने ज़र्फ के मुताबिक ही अमल करता है, और जिसने भी किया है आज नहीं तो कल उसको खमियाजा भुगतना ही पड़ेगा। तुम्हारा मतलब है कि हम इतने कम ज़र्फ है कि इतनी घटिया हरकत करेंगे? यानी ये तुम्हारी हरकत है दुर्दाना? मेरा ये मतलब नहीं था बाजी, मैंने तो बस बात की है। दुर्दाना, मुझे तुम्हारी बेटी पर शक है। इसके चेहरे से साफ लग रहा है कि ये कुछ छुपा रही है। बताओ आयमा, ये सब तुमने किया? नहीं खाला, ये सच है कि तोड़फोड़ मैंने की थी। लेकिन मैंने आग नहीं लगाई, आप कसम ले लें मुझसे। हे आयमा, क्यों इल्जाम पे इल्जाम ले रही हो अपने सर पे खामखा? झूठ, आग भी तुम ही ने लगाई होगी। सच बताओ वरना मैं। आप बार बार मुझ पर शक क्यों कर रहे हैं? मैं कह रही हूँ ना आपसे कि मैंने आग नहीं लगाई। आप मुझसे कसम ले लें, अम्मी की कसम, मैंने आग नहीं लगाई। अरे आयमा, मेरी क्यों कसम खा रही हो खामखा? मुझे पूरा यकीन था कि तोड़फोड़ तुमने की होगी, और वो बात आज साबित हो गई है। और अब मैं वार्न कर रहा हूं, आग जिसने भी लगाई है मैं उसे माफ नहीं करूंगा। अफान, प्लीज बस करो। अभी मम्मी, प्लीज आप भी अब ये सब भूल जाएं। शहरयार, मेरे घर में आग लगाई गई है, ये मैं कैसे भूल जाऊं? लेकिन मम्मी, जब कोई एतराफ कर ही नहीं रहा है तो फिर आप किस किस को सजा देंगी? भाभी आप जाएं, फरी तुम भी, सब लोग जाएं, खाला आप भी जाएं प्लीज। आयमा रुको तुम। मम्मी, 100% ये काम आयमा का है। इसे क्या मिलेगा ये सब करके? मम्मी, हसद बहुत बुरी चीज है, इंसान से कुछ भी करवा देती है। जा।
ये तोड़फोड़ जरूर कर सकती है, लेकिन कभी आग नहीं लगाएगी मेरे घर में। ये किसी और की हरकत है।